उत्तराखंड के हरिद्वार में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में आज प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर हरिद्वार में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश भर में अपने बूथ स्तर तक को मजबूत करने के लिए हर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर रही है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में जाने को तैयार है, जिसके लिए वो अपने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रही है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। आज हरिद्वार में, क्योंकि सारे जनपदों में लगभग हमारे कार्यक्रम हो चुके थे, हरिद्वार बचा था। हरिद्वार में आज कार्यकर्ता सम्मेलन भी है और उसमें सदस्यता भी है, कई लोग ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं और कांग्रेस काफी मजबूती से इस चुनाव की तैयारी में है। और ये आज चुनाव घोषणा तो हालांकि नहीं भी है, जल्दी ही आचार संहिता लगने वाली है, उसको देखते हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। देखिए, मैं एक पार्टी का सिपाही हूँ और जिसको भी पार्टी टिकट देगी मैं पूरी ताकत से उसके लिए काम करूँगा। मेरी जिम्मेदारी है पार्टी को मजबूत करना और एज ए अध्यक्ष मेरी सबसे पहली प्राथमिक जिम्मेदारी है कि मैं 5 के 5 लोकसभा सीटों में पूरी ताकत से कार्यकर्ताओं को एकजुट करूं और काम करने में लगाऊं, और वही काम के लिए मैं आज हरिद्वार आया हूं।